हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला बार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग ट्रेन ही बज गए हैं 9 और घर का टोटल काम खत्म करके तैयार हो आके हाथ में चंगू मंगू रेडी करके हम चल गए हैं मार्केट की ओर। जैसे कि मैंने बताया दोनों के पैरों में, एक के पैर में और एक को है बुखार, तो इनको ले चलते हैं अस्पताल की ओर। मौसम है जो ऐसा ही लग रहा है, बादल बादल लगे हुए हैं। ये हमारा छोटा सिंह चल रहा है सड़कों में, ये देखो, और वो वहाँ पे अभी घास के उससे ढक गए, और यहाँ पे मामी काट रहे हैं घास। ये इतना लंबा लंबा घास हुआ बाबा, मेरे एक मुट्ठा बना के वो दूसरा मुट्ठा बनने लग गया उनका। और ये आ गया ऑटो, पर हम ऑटो में जाएंगे नहीं, हम ऑटो को करेंगे कैंसिल, क्योंकि ऑटो आया है जो है वो है बुबू के लिए। बुबू सामान वामान लेके चल दिए आज मार्केट की साइड घूमने के लिए पिकनिक में। दवाई आधी मिली है आधी नहीं मिली है, बाकी पियेंगे बाहर, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में पूरी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। तो अब चलते हैं मम्मी लोगों के साथ, क्योंकि मम्मी लोग भी आ रहे हैं हॉस्पिटल। हो गए हैं शुरू, सुबह से लाइन में लगते लगते हो गया था दिमाग खराब, बहुत देर बाद नंबर आया है, इनकी हरकतें ये देखना। तो फाइनली हॉस्पिटल से घर आ गई, मम्मी लोगों को ब्लॉग में नहीं ले पाई क्योंकि मेरा काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया था। दर्द का देर में जितना टाइम लगा लाइन में लगा, उसके बाद दवाई वाई लेकर जैसे ऊपर को गई थी मम्मी लोगों से मिलने के लिए, तो मम्मी लोगों का भी मम्मी का भी आँख चेक होती थी, नीचे को आ गए थे। तो वो लोग टुक टुक में आए हुए भैया के साथ, हम लोग सीधे घर को ही आ गए थे। मम्मी लोगों का काम था मार्केट में, मेरा आज उस काम तो था नहीं, वैसे भी काम क्या नहीं था, इनके साथ क्या काम होता है, वहाँ से आगे ना ही सुबह बेचारे सो के आएंगे। अभी इतना ठंडा हुआ है ना, मैं क्या बता दूँ, और सवेरे इसमें उठा इतना गर्म हुआ था, मतलब इसका ऐसा ही हो रहा है, कभी एकदम से ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है, मतलब बुखार उतर भी जा रहा है फिर आ भी जा रहा है। इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और एक उसका वो घुटना तो वैसे हिला रही है ना, मैं क्या बता दूँ, अगर डॉक्टर ने भी मतलब ऐसे चेक करा तो ऐसे प्रकार की ऐसे ऐसे हिला दिया, कुछ कह रही नहीं हमें। तो फिर अभी दोनों को एक हफ्ते की दवाई दे रखी है, एक हफ्ते बाद फिर से लेकर जाना है। अगर इसका बुखार उतर गया तो उसको नहीं लेकर जाऊँगी, अगर फिर उसको देखती हूँ उसका क्या है, क्योंकि उसका भी एक्स्ट्रा वक्सरा कुछ मैंने करा नहीं रखा, उन्हें खाली दवाई दी एक हफ्ते बाद। मतलब जब तक दवाई ख़त्म नहीं होती तब तक लेकर नहीं जाना, दवाई ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं उसको लेकर जाऊँगी। तो अभी मैं पता हॉस्पिटल से आकर सीधे सो गई थी, मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया, सब इसके अमा ने बनाया, और अब भी मैं उठ रखी हूँ वहाँ से आके। तो अब कपड़े वपड़े भी चेंज नहीं करे मैंने, बच्चे उसने तो कर ले दिया, तो आते ही सो गया था, मैंने भी चेंज नहीं करे, तो कर लेते हैं कपड़े वपड़े चेंज, खा लेती हूँ खाने के लिए। तो मैं कुछ नहीं खा के आई बाजार में, आज पहली बार ऐसा हुआ कुछ नहीं किया, 10 रुपये की आइसक्रीम जितनी खाई उसके अलावा कुछ ही नहीं खाया, क्योंकि भैया है ना वो सीधे लेके आता, वो कहीं पर रुकता ही नहीं। तो थोड़ा खाना वाना भी खा लेती हूँ क्योंकि भूख भी लग गई है। फाइनली हो गई है फ्रेंड्स शाम, और शाम की चाय पी लिया, और मैं गिलास का दूध पकड़ती हूँ इसके पीछे पीछे, छोटे वाली थी बड़ी वाली में दूध के साथ दवाई मिक्स करके पीनी थी। आज फर्स्ट दिन था ना, इसने शौक के शौक में वो पी ली, क्यों वह टेस्ट कैसा आता है घर के। और इसको देखो इसकी बहुत दवाई है यार, 1 2 3 4 सिरप हैं इसके पीने, उसके तो खाली गोलियाँ ही गोलियाँ हैं, ये है बाकी और है एक और है। अच्छा कि मुझे कोई डॉक्टर दवाई नहीं देता, हाँ कितनी खुश है ये मुझे कोई पीने वाली, क्योंकि खाने वाली दर्द भर डरती है ना पीने वाली में, और एक गोलियाँ तो ये खा जाती। और इन दोनों के खेल है छोल, बाबू कैसा लगा हॉस्पिटल में? अच्छा डॉक्टर अंकल ने क्या कहा? अच्छा है, कहा तू शैतान है कहा ना, क्योंकि वहाँ जाके भी इसके सैदान ही ख़त्म नहीं होती, उन्हें कुर्सियाँ होती ना बैठने वाली, उसमें वो लगा रहता गोल गोल, मतलब कसा था उसने उसको घुमा घुमा के ढीला कर दिया। डॉक्टर ने कहा बड़ा शैतान बच्चा है ये, ऐसा नहीं करते हैं कस, तब फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी उसको घुमाने में ये घुमा बड़ा उजड़े लड़का है। तो देखो अभी का एक जब तक दवाई ख़त्म होती है इसका, तो बुखार उतर जाएगा, तो फिर ब्लड टेस्ट नहीं कराऊँगी,
बाकी जो उसका है बगल वाली का, उसका इलाज चलना ही है। अब जब तक दवाई खत्म नहीं होती है तब तक यही चलाऊंगी, उसके बाद सोच रही एक्सरा वैक्सरा अगर होना होगा तो एक्सरा वैक्सरा करा के फिर करेंगे इसका पता क्या होता है करके इसमें। और देखो सुई तो नहीं लगेगी, बल तो इसके पापा भी आ गए हैं और वो धो रहे हैं अपने कपड़े, क्योंकि मैंने बिटैम में कपड़े नहीं धोती हूँ, ये बिटैम हो जाता है कपड़े धोने का। मैं सोचती हूँ सुबह जितना काम है कपड़े वपड़े धोने का सुबह ही कर लूँ, फिर बिटैम में तो मैं छुड़ी रीछ हाँ कपड़े धोने में, इसलिए वो अपने आप चुपचाप कहते भी नहीं तो कपड़े धो दे करके सुबह के टाइम पे, एक ही दिन कहा था शाम के टाइम पे, तो मुझसे कभी नहीं कहता, वो अपने आप सर्फ ले जाएंगे नल में जाएंगे और कपड़े धो भी घाट की तरह अपने कपड़े आराम से धो भी आए। वो मौसम है जो हमारा दोबारा होने लग गया है, बल आसमान में बादल छा गए हैं, कला कल बादल ने लग गया, फिर करते हैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू। बाय गाइस, कहो तब तक बाय गाइस, कैसे हो बोलो, अपने पापा जैसी आदत है ये भी, ये सब बाबा में जा रहे हैं बाबू का, गंदी बात होती है ना। हाँ इसकी मैडम हेमा मैम है ना इसकी, हाँ इसकी मैडम देख लो, ये देखो ये कैसा कर रहा है, ये तू बोलेगा तू इसको उसी रख बाबू। चलो बाय गाइस, बाय गाइस। तो फ्रेंड्स हो गई है शाम और आसमान में लग गए हैं काले काले बादल, और वो वहाँ पर वो दिख रहा क्या, कोई न्यारी न्यारी पोज देकर वहाँ पर फोटो खींची जा रही है वो अब वो चल दिया है शर्मा के वापस, वो जा रहा है दौड़ने के लिए, वो है हमारे गांव के अग्निवीर में जो भर्ती हुए हैं। तो मौसम है ना जो बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया है, ये ऐसे लग गए हैं बादल, बारिश आएगी, मौसम सही हो रहा है वैसे, दिन भर में बारिश नहीं आ रही, रात के टाइम पर बारिश, ठंडा लग रहा है। और फिर से मेरा घास ये इतना जम गया है, ये घास अब कितने दिन हो गए से वो मेरा यहाँ पर रखा, ये टूट गया ना ऐसा वाला दाना, बड़ा बेकार लग रहा है, मैं सोचूँ इसमें ऐसे करके मैं टाँके लगा दूँ करके। तो गाइस अभी बच्चे लोग गए हैं अपने पापा को लेकर बिगरा बाग की मार्केट, पता नहीं क्या लेने गए हैं, देखते हैं क्या लेके आते हैं वो लोग। अब तो हम चलते हैं घर को और बच्चों को करें पैक थोड़ी देर में, क्योंकि मौसम बता है ख़तरनाक उन मरियो, तब आप झेट लूँ पे तल के घर ही जाऊँ, वो बाट चाहिए। ये हमने बाहर लगाया ना, ये गायों के लिए लगा रखा है बाहर, क्योंकि गाय ना जो पूरी चरी के टुकके होके यहाँ के तो खाए जाए ताकि बाहर ना आ पाए, इस वजह से लगाए, उधर देख रहे हो सब चरी खा के चली गई है गाय, अभी कितने घूम रहे होंगे रोड में, नहीं इतनी गायें घूम रही हैं यहाँ को। तो स्वामी जी चले गए हैं अपनी ड्यूटी में शाम के लेकर अपने को घुमाने के लिए, और एक ही है ना ये गंदा लड़का, ये अमलों के साथ घूम ही नहीं गया ना, आज इसका नया खिलौना आया है, रे ला कांचे लाया ले। वो देखो भैया पापा ने देख कमीज खोल दिया, ले गया पापा की कमीज ला, ये बेटा बाय बाय वो बाय, ये राम राम वाले हैं, कहाँ अंधेरा हो गया अब कहाँ जाएगा कहाँ। आ जा गया, काम ही नहीं है कुछ, ऐसा ही काम है कि आते रहना आते रहना। बेटा आज तो पर्स भी साथ ही ले जा रहे हैं ये, आज तनख्वाह मिली है ना तब पर्स ऐसे सब साथ ही है इनके, घर में नहीं रख के जाऊंगा कह रहे हैं वो, देखना। और आ मेरा बेटा हीरो बन गया भाई साहब, हेलो गाइस बोलते, फिर अब नहीं बोलेगा चप्पल खोलने के बाद। ओहो ये अब बोल दे भी, हेलो गाइस बोल दे नहीं, अब इसके भाव बढ़ गए ना, इसका चश्मा आ गया ना आज तभी, अब बोल कैसे हो। हाँ हेलो गाइस कैसे हो, और निन्नो गाइस को आने लग गई है नींद ना, और इसके हम लोग सब गए घूमने के लिए और ये भी चले गए। अब रोटी मैं अभी बनाऊंगी नहीं क्योंकि अब ये करेगा परेशान, अब जब सब आ जाएंगे तब जाके मैं बनाऊंगी रोटी, और क्या कहते हैं ना सब ज़्यादा दिमाग ख़राब, तो मुझे इन लोगों की तबीयत देखकर हो रहा है दोनों की, इसका तो बुखार वैसे नहीं आ रहा है उतना, फिर भी दवाई खिलाऊंगी तीन चार दिन लगातार, और टॉनिक वगैरह तो पिलानी ही पड़ेंगी इसको, ज़्यादा टेंशन है तो लड़की की टेंशन है, उसका भी कहाँ लाया है कुत्ता, हाथी लाया है, हाँ एलिफेंट लेके आया है ना आज ये, और चश्मा भी लाया है ना, चाची मैं भूल
मान लिया थोड़ा। तो गाइस जिसी के साथ करते हैं उस ब्लॉग को यहीं पे एंड मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद कर दो, हाथ को कर दें, जय हिंद कैसे करते हैं।